आज मैं आपको एक आजकल जो है ऑनलाइन एक ठगी का एक धंधा चल रहा है, जो साइबर ठग होते हैं, बदमाश होते हैं, तो वो लोग ठगने का एक नया तरीका है उनका। नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश मेहता, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, मैं जैसा कि रोजाना अपने मॉर्निंग वॉक पर निकल चुका हूँ। तो दोस्तों आज आपको मैं यहाँ का नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये है हल्दूचौड़ का इलाका, काफ़ी खूबसूरत खेत खलिहान वाला इलाका है, धान की खेती अच्छी खासी हो रही है, आप मेरे ठीक पीठ पीछे देख सकते हैं। और आगे आता हूँ मैं, ये है आगे का नज़ारा, सुंदर धान के खेत रोड के साथ लगा हुआ, ये देख सकते हैं आप। और अभी स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, स्कूल बसें जा रही है, देखो ये स्कूल के लिए बच्चों से भरी हुई गाड़ियाँ, ये देखिए सुंदर नज़ारा, ये देखिए यहाँ पर सिंचाई के लिए नहर भी है और धान की खेती पकने लग गई है। ये देखिए काफ़ी पानी है, साफ पानी। ये नीचे से जो रोड आ रहा है, ये शिवपुरी से सीधे हल्दूचौड़ की ओर जाता है, और ये रूट जो है ये दुमका बंगर की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं सुंदर चारों ओर खेत खलिहान, सुबह सुबह का नज़ारा। ये देखिए यहाँ पर एक ट्यूबवेल है जो कि सिंचाई के लिए पानी मिलता है यहाँ से। ये तमाम इस इलाके में धान ही धान है, यहाँ पर गन्ना कम है। ये देखिए दूर दूर तक खेत पहले हुए हैं और अच्छे से मकान बना रखे हैं लोगों ने। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको एक आजकल जो है ऑनलाइन एक ठगी का एक धंधा चल रहा है, जो साइबर ठग होते हैं, बदमाश होते हैं, तो वो लोग ठगने का एक नया तरीका है उनका। आपके अकाउंट में पहले वो कहते हैं कि आपके अकाउंट में हमने पैसे डाल दिए हैं, आप इस नंबर पर हमारा ये पैसा लौटा दो प्लीज़ प्लीज़ करके वो लोग बड़ा रिक्वेस्ट करते हैं आपसे। कहते हैं कि ये नंबर है हमारा मोबाइल नंबर, इस नंबर पर आप हमें ये पैसा वापस कर दो, आपके अकाउंट में हमने गलती से पैसा कहीं और जाना था, आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं। तो जब भी आपके पास इस तरीके का कोई फ़ोन आता है और पहले अपने अकाउंट को चेक करें, क्या वास्तव में इसने पैसे डाले हैं या नहीं डाले हैं। अगर डाले भी हैं, क्योंकि आपका अकाउंट साफ करने के लिए कुछ बहुत पैसे, तो आप ऐसे लोगों से कहें कि आप ये पैसा चेक के ज़रिए या कैश के ज़रिए लें और हम आपको मोबाइल नंबर के ज़रिए पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। और अगर ये व्यक्ति ज़्यादा दबाव बनाता है आपके ऊपर, तो ऐसे व्यक्तियों की पुलिस में शिकायत करें और ऐसे लोगों को से सावधान रहें। और ऐसे में आपका जैसे ही आप पैसा भेजोगे ऑनलाइन फ़ोन नंबर पर, तो आपका पूरा अकाउंट हैक हो जाएगा और आपका पूरा अकाउंट उड़ जाएगा, सब पैसा ही निकाल के साफ कर देंगे। तो आप इन लोगों से सावधान रहें, इनके बहकावे में या इनकी मीठी बातों में ना आए। दूसरा तरीका ये देखा इनका कि कहेंगे कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका बैंक में SBI में LIC भी है क्या? क्या जब वो बैंक से बोल रहा है उसको पता ही नहीं कि LIC है या नहीं है? पहले तो उसकी बातों में आप यहीं पर आप समझ जाओगे, कहता है कि आपका पैसा जो है इसमें जमा नहीं है, जबकि जो भी आदमी बैंक LIC खोलता है तो उसका पैसा LIC का पैसा आपके खाते से क्वार्टरली या छमाही या सालाना के हिसाब से अपने आप ही कट जाता है। तो ये लोग ऐसे भी ठग रहे हैं कई लोगों को कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ आपका जो है ये अकाउंट यानी कि LIC में पैसा जमा नहीं हो रहा है या ड्यू है, इस तरीके की भी बातें कर रहे हैं ये लोग, इसके इनके सांझे में भी नहीं आना है। तीसरा, ये लोग कई बार ऐसा करते हैं, जैसे आपको
व्हाट्सअप कॉल के ज़रिए बात करेंगे कि आप फलाने बोल रहे हो क्या। हाँ, उसमें सबसे पहले पुलिस की जो हमारा जो डीपी लगी होती है, पुलिस वाले की वर्दी में एक डीपी दिखाएंगे और अपने आप को कहेंगे कि हम पुलिस वाले हैं या हम कोई अन्य एजेंसी के हैं। आपका लड़का जो है फलानी जगह चोरी के केस में या बलात्कार के केस में 3-4 लड़कों के साथ हमने पकड़ रखा है और इसको पकड़ करके हमने आपसे बात करनी है और आपको जो है अगर इसको छुड़वाना है तो इसमें आपका कुछ बहुत पैसा लगेगा और पैसे दे करके रफा दफा कर देंगे। अब ये लोग भी उसमें मोबाइल नंबर से ऑनलाइन पैसा मांगते हैं, तो ऐसे चीज़ों से सावधान रहें। ये भी एक ठगी का एक और तरीका है आजकल इन लोगों का। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की जालसाजी में ना आए। कई बार ऐसा हुआ है कि आपके नाम से कॉल आएगी कि आपके नाम से कोई पार्सल आया हुआ है बाहर से और उस पार्सल में कुछ ऐसे अनावश्यक चीज़ें हैं और जिससे कि आपको सज़ा हो सकती है या आप पकड़े जाने पर आपको बहुत बड़ा जुर्माना या सज़ा हो सकती है। इस तरीके से डराते हैं और ये लोग भी किसी नंबर पर आपसे संपर्क करके कहते हैं कि इस नंबर से आप हमें जो है पैसा दो और तभी ये काम आपका रफा दफा होगा। कई ऐसे आए दिन सोशल मीडिया में ऐसी बातें हम सुनते रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से, ऐसे ठगी के जो ठग लोग हैं इनसे सावधान रहना है, सतर्क रहना है। ये मेरा जन जन तक संदेश है। आपको डरने की और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई चाहे आपके ऊपर कितना ही दबाव बनाए, आपको डरना नहीं है। आप ऐसे व्यक्तियों की जो नंबर है इनका जिस पर कॉल आई है, पुलिस में इनकी कंप्लेंट कराएं ताकि आने वाले लोगों के लिए जो है पुलिस जो है इसकी जांच पड़ताल करेगी और लोग कम से कम ठगी के शिकार होंगे। और ऐसी बातों को शेयर भी करना है क्योंकि हर एक आदमी इतना जागरूक नहीं है। स्मार्टफोन तो सबके पास है परंतु लोगों को कोई लिंक भेज करके या मिस कॉल के ज़रिए भी ये लोग आपका अकाउंट लूट लेंगे। आपकी जो भी कमाई दमाई है सब साफ हो जाएगी। ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना है। बाकी सब ठीक है। आप सतर्क रहें, सावधान रहें और जन जन तक ऐसी बातों को फैलाएं। धन्यवाद। जय जी भूमि, जय उत्तराखंड।